आज मैं बनाऊंगी सॉफ्ट और स्पॉन्जी गुड़ का रसगुल्ला। यह बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक पतीले में लेंगे 500 ml दूध। दूध को बीच बीच में चलाते हुए उबालेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें। दूध में उबाल आ चुका है। दूध को 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, गैस को बंद कर दें। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक कटोरे में लेंगे 1/4 कप गर्म पानी और 1/4 कप सिरका। इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूध हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे एक बार चला लेते हैं। इसमें डालेंगे पानी और सिरका का मिश्रण। मिश्रण को पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें और चलाते रहें। आप चाहे तो इसके बदले नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालकर चलाते रहें जब तक दूध फट ना जाए। तो दूध फटना शुरू हो चुका है। दूध फट चुका है, देखिए ऊपर हरा पानी दिखाई दे रहा है। हमने पूरी मिश्रण का इस्तेमाल कर लिया है दूध फाड़ने के लिए। एक कपड़ा लेंगे, उसमें दूध डालेंगे जो हमने फाड़ के रखा था। इसमें ऐसे ऊपर से पानी डालेंगे ताकि सिरके का स्वाद हट जाए। अब कपड़े को ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे। प्लेट के ऊपर कुछ भारी रख दें। इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे जब तक इसका सारा पानी ना निकल जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका सारा पानी निकला है कि नहीं। तो हमारा छेना बिल्कुल तैयार है। इसे एक बर्तन में निकाल लें। हथेली के मदद से इसे मसलेंगे 5 मिनट तक। इसे मसलना है जब तक ये नरम ना हो जाए। मसलने के बाद इसे एक जगह कर लो। इसके छोटे छोटे लोई बना लेते हैं। तो इसी तरह सारे लोई बना लेंगे। ध्यान रखें लोई में कोई दरार ना हो। सारे लोई तैयार हो चुके हैं। एक कढ़ाई में लेंगे 3 कप पानी। एक कप गुड़। गुड़ को आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। गुड़ को पिघलने दें। गुड़ लगभग पिघल चुकी है, अब इसमें डालेंगे 2 इलायची तोड़कर। ये रसगुल्ले बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। यह बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे मिला लेते हैं। गुड़ पिघल चुकी है, जब पानी में इसे उबाल आए तब एक एक कर लोई डाल दे जो हमने तैयार किया था। इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे। 5 मिनट बाद इसे ऐसे चला ले ताकि सभी तरफ से यह पक जाए। 5 मिनट बाद इसे वापस से चला ले। अगले 5 मिनट बाद गैस बंद कर दे। इसे बनाने में टोटल 15 मिनट लगे हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारा गुड़ का रसगुल्ला। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।